हेलो गाइस, मैं यश स्वागत करता हूँ आपका यश टेक के एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगे कि आप जो है बवंडर यानी कि टाइफाइड जो है उसकी लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं। लाइव लोकेशन वो आप पीसी में और मोबाइल में दोनों में आप ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो स्टेप्स कह रहा हूँ वही आपको फॉलो करने हैं। और आप दोनों में देख सकते हैं, पीसी और मोबाइल दोनों मैं आप देख सकते हैं टाइफाइड की लोकेशन। से दोस्तों सबसे पहले आज क्रिसमस है तो मेरी तरफ से हैप्पी मेरी क्रिसमस। से दोस्तों अगर आपको क्रिसमस का गिफ्ट देना होगा तो आपको एक गिफ्ट देना है, वो ये है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। से दोस्तों ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियो जो है जब मैं डालूंगा तो आपको वो आपकी उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ जाए। सो दोस्तों चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आपको जो कि टाइफाइड की लोकेशन अगर आपको ट्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम या फिर जो भी आपका वेब ब्राउज़र होगा उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स पर टाइप करना है windy.com। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ windy.com। सर्च करने के बाद आपको एंटर दबा देना है। तो जब आप एंटर दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों ये एक मैप की तरह ही है, लेकिन आप देख सकते हैं। सो मेरा जो इशू है वो यहाँ पर है यानी कि पालघर। तो यहाँ पर जो है इसकी टेम्परेचर भी पता चल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कंट्रीज़ की लोकेशन है। सो अगर आपको जानना है कि टाइफाइड या फिर यहाँ पर इसका इंडेक्स दिया होगा तो यहाँ पर टाइफाइड जो है, टाइफाइड का कलर जो है ज़्यादातर रेड होता है हमारे इंडिया का, चल गई हाँ ये रेड। सो आपको यहाँ पर जूम इन करना है। सो यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो ये वाइट वाइट कलर के वेव्स दिख रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप वाइट वाइट कलर की रेज जो आप देख रहे हैं वो है एयर, यानी कि यहाँ पर एयर कहाँ पर कैसे फ्लो हो रही है तो वो यहाँ पर पता चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घूम घूम कर कैसा सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर टाइफाइड जो है वो बन जाए। फिर यहाँ पर आप नीचे से स्वाइप करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो वेव है यह आप देख सकते हैं रेड कलर की। दोस्तों यहाँ पर जो है टाइफाइड जो है बन चुके हैं, यानी कि आसान भाषा में कहें तो चक्रीवादा। तो यहाँ पर जो है बन चुका है और यहाँ पर आपके सामने एक टाइम लाइन दिख रही होगी, जैसे कि सैटरडे 25। तो आज जो डेट है वो 25 है, तो शायद हम इसके आगे का टेम्परेचर भी जान सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस सैटरडे कर देता हूँ। सो मैं वापस इंडिया पे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ही दूर आ गया, ये रहे मेरे इंडिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टाइफाइड बन रहा है। जो कि रेड कलर का आपको कलर दिख रहा है ना, वहाँ पर ही टाइफाइड बन रहा है, बाकी की जगह नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉग इन, प्लस करने से आप जूम करते हैं, माइनस करने से आप आउट हो जाए। मैं इंडिया में चला जाता हूँ वापस, मुझे और कहीं दूर नहीं जाना। तो ये रहे हमारे इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि विंड गस्ट, रेन, थंडर, टेम्परेचर, क्लाउड्स वगैरह वगैरह। सो विंड जो है यहाँ पर विंड का जो टेम्परेचर वो आपको पता चलेगा, रेडर और सैटेलाइट। सो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, वेदर, रेडर और सैटेलाइट। जैसे मैं सैटेलाइट को क्लिक करता हूँ तो वो जो मैप है वो सैटेलाइट की तरह दिखाई पड़ता है। सो ये जो है ये सैटेलाइट से दिख रहा है मुझे। फिर यहाँ पर मैं अगर वेदर रेडार पे क्लिक करता हूँ तो ये लोकेशन मारने से ब्लॉक कर देता हूँ, मुझे लोकेशन नहीं चाहिए। ओह इसने मेरी लोकेशन ट्रैक कर ली शायद, नहीं ये मेरी लोकेशन नहीं है। सो दोस्तों मैं वापस से मैं इसे रिसेट कर देता हूँ windy.com। दोस्तों windy.com की जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे वापस से आप आ गए windy.com पे, तो यहाँ पर आप जो है पूरा का पूरा जूम इन कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको जूम आउट करना है तो सिंपल है, आपको ES के दबाना है या फिर ये वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों यहाँ पर जो आप लोकेशन है मैं यहाँ पर सर्च करके लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ विरार, तो बस विरार यहाँ पर मैं दिख रही है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सामने मेरे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब 1 बजे के पास यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है टेम्परेचर। तो सैटरडे 25 यहाँ पर 1 बजे आप मैंने वीडियो अभी 1 बजे बनाना शुरू किया है। सो दोस्तों यहाँ पर इतना टेम्परेचर दिखा रहा है। सो दोस्तों आपको जो टाइफॉइड है वो आप कर देखना होगा, तो आपको सबसे पहले इंडेक्स पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इंडेक्स यानी कि जहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स दिया नहीं है लेकिन जो रेड कलर का है ना वहाँ पर ही ज़्यादा टाइफॉइड होती है। सो यहाँ पर रेड कलर बहुत जगह पर है। मैं कनाडा कहाँ पर आ गया, मैं वापस इंडिया चलता हूँ। सो जहाँ पर भी रेड रेड है वो यहाँ पर टाइफॉइड बन रहा है, और जो ग्रीन ग्रीन है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो शांत है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो ठीक है, बराबर है। दोस्तों आप कुछ इस तरह से जो है टाइफॉइड देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे एक टाइफॉइड दिखा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइफॉइड बन चुका है और इसके लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये लोकेशन शेयर करनी है तो आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर लिंक जो है यहाँ पर आ जाएगी, आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यानी कि आपको इतना ही दिखना है कि जहाँ पर रेड रेड है और वहाँ पर आपको कुछ सर्कल सा दिख रहा होगा, या देखिए कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, तो समझ जाना कि वो टाइफॉइड है। दोस्तों वो यहाँ पर जो है वो लाइव लोकेशन रिकॉर्ड होती है, और लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पर टाइफॉइड आ चुका है। दोस्तों इसके लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दूँगा। फिलहाल तो इंडिया के पास कोई टाइफॉइड वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर टेम्परेचर गूगल आपको टेम्परेचर बता देगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर प्लस टाइफॉइड भी बता देता है, यानी कि जो तूफान है वो आने वाला है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशंस को और पर जरूर रखना। और हाँ, मेरी क्रिसमस, मेरी तरफ से आपको मेरी क्रिसमस, हमें मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।